हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मैं हूं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा। मेरे देश के अंदर काफी जड़ी बूटियां होती हैं, उनको कोई प्रयोग नहीं करता। लोग वैसे ही अपने को संवारने के लिए और अपने ऑफिस को सजाने के लिए और दुनिया की वाई वाई लूटने के लिए काम करते हैं। मैंने ये कार्य सन 1968 से शुरू किया था और इसके ऊपर मुझे सफलता मिली। आज का मेरा अपना विषय है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी के ऊपर मैं शोध कर रहा था। मैंने सन 1992 और 93 में इस बीमारी के बारे में पता लगा, मेरे शरीर की शक्ति कैसे कमजोर होती है और कितने सूक्ष्म जीव आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं, संसार वाले यूं कहते हैं कि HIV का कोई इलाज नहीं होता और यहां तक भी कहते हैं ये बिल्कुल असंभव है और एक आदमी को ये दवाई खानी पड़ेगी या उसकी मौत हो जा सकती है। मेरे देशवासियों, इसके विषय में सन 1968 से लेकर आज तक मैं इस धुन में लगा रहा। मैं माइक्रोलॉजी में इस वायरस को कैसे मारा जाए जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को समाप्त कर दे, परंतु इतनी निराशा लगी, कोई आशा नहीं थी कि इस रोग का इलाज हो सके। संसार के वैज्ञानिक, दुनिया के डॉक्टर इस बात को कहने लगे, ये HIV का वायरस काफी सूक्ष्म है और ये कोशिका के आसपास रहता है। अगर हम कोई ऐसी तेज दवाई देने के बावजूद कोशिका नष्ट हो जाती है, जब कोशिकाएं टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। संसार को, दुनिया के डॉक्टरों को मैं चैलेंज करता हूं, HIV का इलाज है। हमारी शरीर की शक्ति अक्षीण हो जाती है। मैंने इस प्रयोग में काफी समय बिताया, हर बार मुझे निराशा हाथ लगी। एक दिन मैं सोच रहा था, मेरा देश का किसान एक भगवान है, अगर हमें समय पर भोजन ना मिले तो मेरे क्या एक आदमी जानता है उसकी पाचन क्रिया, श्वास क्रिया और नाड़ी तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं करता। ये भोजन के विषय में मैं बता रहा हूं। अगर आदमी को एक दिन भोजन ना मिले या एक दिन का उपवास करे, उपवास करने के बावजूद उसकी हालत क्या होती है, खराब होने लग जाती है, अपने आप को कमजोर समझता है। मैंने मेरे देश के किसान के बारे में सोचा। कुछ लोग एक ही बात कहते हैं, क्या मेरा देश का किसान अन्नदाता है? मैं कहता हूं फल दाता है, सब्जी दाता है, औषधीय दाता है और दूध का दाता है। तो मैं इसीलिए मेरे देश के किसान को मैं भगवान कहता हूं। ये दुख मैं आपको क्यों बता रहा हूं,
विषय में इसका वर्णन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं तो आपको ऐसे एक बात बता रहा हूं, लोगों का CD4 किसी का 80, किसी का इससे भी कम, और ऐसे भी रोगी देखे हैं जिनकी CD4 क्या होती है 20 से 30 तक चली जाती है, न तो वो चल फिरते, न खा सकते, न सांस में भी रुकावट पड़ जाती है, नाड़ी तंत्र ढीला पड़ जाता है, और साथ साथ यहाँ तक भी है उसे चलने फिरने की स्थिति नहीं होती। वायरस इस तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता, कमजोर कर देता। तो मेरे देश के अंदर जब अंग्रेज यहां से गए, उन्होंने एक बात कही, जिस देश के अंदर आंख नहीं बरना तो वहां बीमारी से क्या बरना। इसके विषय में 1997 से शोध पर लगा, इस माइक्रोलॉजी पर या सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर कैसे जिया जा सकता है। जो शोध करता होता है पहले उसका अपमान होता है, बाद में उसका सम्मान होता है। तो माइक्रोलॉजी के ऊपर मैं शोध कर रहा था, मेरे पास 5 व्यक्ति इंदौर से आए, और इंदौर से आने के बाद एक पहले व्यक्ति था जिसका CD4 कितना था, 80 था। एक दूसरा था उसका 120 था, एक का 240 था, एक का 440 था, एक का 560 के आसपास था। उनकी हालत बिल्कुल जर्जर थी, जो 300 से ऊपर या 540 के आसपास जिनकी CD4 थी वो ठीक थे, दवाई खाने लायक थे, और उनके दिमाग में एक बात बैठा रखी थी, जो ये सरकारी अस्पताल से दवाई मिलेगी इसको छुटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे भारतवासियों, मैं पहला व्यक्ति हूँ आपके सामने जो इंदौर से, दिल्ली से, या मेरे जींद हरियाणा से जो मरीज आए, मैंने उनको बिना रोक टोक करके उनको दवाई दे दी। एक महीने के बाद हर एक का फोन आया, उनकी जो CD4 थी किसी की 1562, किसी की 1540, किसी की 1578 तक पहुंची, और उन्होंने फोन किया, ये क्या जादू है, हम स्वस्थ हो गए, हमें भूख लगती है, ठीक नींद आती है, ठीक हमारा दिमाग काम करने लगा है, खुशी का ठिकाना न रहा। मैं इस शोध के विषय में, मैं बीमार हो गया और यह हालत हो गई, मैं कभी सोचा करता था संसार को मैं कुछ दूंगा, और ऐसा दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया। इसके पीछे कारण क्या था, HIV का जो मेरा शोध कामयाब हुआ है, और संसार के हरेक डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूं, और इसके पीछे और कई बीमारियों के मैंने शोध किए। 1980 से लेकर 2010 तक मैं WHO के चक्कर काटता रहा, आज कुछ नहीं लगा। उन्होंने अपनी ही बात कही, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल में बड़ा दुख होता है, माननीय मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट में मैं कोरोना के विषय में केस डाला, तो उसमें मेरे को फाइन हुआ और यह कह दिया गया कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है।
ये धक्का इतना बड़ा लगा, मेरे देश की जड़ी बूटियां कोरोना को समाप्त कर सकती हैं, 101% समाप्त कर सकती हैं। इसी बात को लेकर मैं बीमार हो गया। कम से कम 1.5 साल के बाद मैंने ये शूटिंग की है। लोग मजाक करने लगे डॉक्टर HIV के विषय में, CD4 के बारे में एक ही बात कही, CD4 को बढ़ाया जा सकता है परंतु पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता। मेरे दिमाग में एक जिद थी। पहला झटका तो मेरी रिसर्च के ऊपर काफी पैसा बर्बाद हो चुका था। सन 1968 से लेकर आज तक मैं 1 बजे बिस्तर छोड़ देता था, अपने प्रयोगशाला में काम करता था। जब मेरे जिनको मैंने दवाई दी थी, मैं निराश हो चुका था, इतना बीमार हो गया था, मैं चाहता था अब तो कफन को ओढ़ना ही पड़ेगा, परंतु मेरे दिल और दिमाग में ऐसी खुशी आई। जो जबलपुर से मेरे पास एक मरीज आता था, उसने ये कहा कि मेरी CD4 बढ़ गई और मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा वजन 46 किलो था, अब 66 किलो आ गया है। और उसने ये कहा मेरी CD4 की जो रिपोर्ट HIV नेगेटिव हो गई है। जैसे मेरा जन्म हुआ, बचपन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता था। नहीं दिखाई देने के कारण सन 1961 की बात है, दिसंबर के महीने की बात है, 2 साधु आए और उन साधुओं ने मेरे को 7 पुड़िया दी, केवल 7 पुड़िया। और मेरे माँ बाप को समझाया गया भाई इसको मलाई में देना है। दुर्भाग्य की बात मेरे लिए थी और उस दिन से 2 दिन के बाद मुझे दिखाई देने लगा। मेरे गांव के अध्यापकों ने मेरे से स्कूल से निकाल दिया था, तुम्हें दिखाई तो देते ही नहीं, तुम्हें कैसे पढ़ाए। तो ये बात कर रहा था मैं आपसे HIV की। जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां आज से 5000 वर्ष पहले अगर आपने आयुर्वेद के दर्शन करने हैं मेरे देश के किसान के खेत में या मेरे देश के जंगलों में, नहरों के किनारे या बगीचों के अंदर काफी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो HIV को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। मेरे 22 रोगी ठीक होने के बाद मेरे शरीर में दोबारा से रक्त संचार होने लगा, मेरी जान में जान आ गई। इसके लिए क्या है, हमने जो रोगी आए थे जबलपुर से, मैं परेशान था, उधर से कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं परेशान था। उधर से मेरे जो रोगी थे वो कहते थे आराम नहीं हो रहा। जब उन्होंने कहा कि एक ही महीने में हमारी CD4 इतनी बढ़ गई, दुनिया के डॉक्टरों से जब मैं बात करता था कहते CD4 जो बढ़ते हैं वो बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। तो मैंने इसके बारे में सोचा, हमारा शरीर अपने आप को ठीक करता है, बाह्य वायरस अंदर जाने के बाद वो कमजोर होता है, वायरस तंग करते हैं और
मनुष्य की मौत भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि वायरस लोड काफी हो जाता है। जो दवाई मैंने खोज की है उससे हफ्ते के अंदर वायरस वो लोड समाप्त हो जाता है और 15 दिन के बाद CD4 इतनी तीव्र गति से बढ़ते हैं जिसका कोई अंत नहीं, और 21 दिन के बाद CD4 75% बढ़ जाते हैं और 1 महीने के अंदर CD4 1500 को पार कर जाते हैं। जो 22 मरीज मैंने लिए थे उन्हें रिपोर्ट कराई और हर एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर मैं बैम था, काफ़ी समय से खर्च कर रहा था, मैं कह लगा भाई दूसरी जगह चेक कराओ। मैं कह लगा दूसरी जगह में उन्होंने रिपोर्ट ठीक मिली, मैं कह लगा तीसरी जगह कराओ। मैंने ये टेलीविज़न पर देना है, मैंने WHO को दिखाना है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को दिखाना है और एक स्टेट के ये स्वास्थ्य मंत्री को दिखाना है। जब मैंने पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट मेरे काबू आने के बाद तब मैं कह रहा हूँ HIV जिसको आप एड्स कहते हैं कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं। अच्छा, जो कम उम्र के हैं उनका तो मैंने जो प्रयोग किया है 1 महीना 35 दिन 40 दिन या 45 दिन में बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और जो उम्र ज़्यादा होती है उनके 1 हफ्ता बढ़ा दो। जैसे मैं पर किसी की 30 साल की उम्र है तो उसको महीना में बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, अगर मान 45 का है तो उसके 7 दिन और बढ़ा दो। इस माइक्रोलॉजी के अंदर ये वायरस कैसे बढ़ता है, मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी जितनी कमजोर होगी उतनी ही गति से ये सफेद कोशिका, लाल कोशिका या हमारे लीवर या हमारे हार्ट और गुर्दे को बिल्कुल कमजोर कर देता है। परंतु खुशी के साथ कह रहा हूँ, मैं भी महात्मा का बेटा हूँ और इसकी रज के अंदर लेट लेट कर बड़ा हुआ हूँ और ये मेरा प्रयोग बिल्कुल सिद्ध हुआ, ठीक हुआ। दवाई बनाता हूँ और अब मैं दावे से कहता हूँ, कोर्ट के अंदर ये लिखने के लिए तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखने के लिए तैयार हूँ। ये बात आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ये कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, HIV का इलाज है। और मुझे कई बार दिमाग में यह बात आती थी भाई मैं दुनिया के लिए भी कुछ करूं, भगवान ने मेरे ऊपर जो कृपा की है, कृपा कैसे की है, अंधे को तो दिखा दिया, अंधे को पढ़ा दिया, अंधे को मास्टर बना दिया और अंधे को नए से नए शोध करवा दिए। इसलिए मैं 1968 से लेकर आज तक मेरे देश के किसान के खेत के अंदर पैदा होने वाली जड़ी बूटियों के ऊपर मैं क्या करता हूँ, शोध करता हूँ। और शोध करने के बाद मेरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको मैं भस्म कहता हूँ, जैसे मोती की भस्म, चांदी की भस्म, सोने की भस्म और शंख की भस्म या सीप की भस्म। ये भस्में
एक पोषक आहार का भी काम करते हैं। पेट तो नहीं भरती, शरीर को चलाते हैं। मेरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोना होता था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। और सोना इतना होता था, हमारे यहाँ मलबल बनती थी, विदेशों में जाती थी और लोग उसके पर, मेरे भारत के लोग मलबल के पीछे सोना लेते थे। 5 किलो बाट के साथ, 5 किलो शेर के साथ सोने के वो तकड़ी के अंदर तोलते थे। तो इसके बारे में मेरे आयुर्वेद में ये पोषक तत्व जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे नोट कर ले, चाहे सुन ले, चाहे लिख ले, मेरे देश के अंदर सोने की भस्मों का खाने का रिवाज था और सोना पर्याप्त मात्रा पर था। विशेषकर मेरे देश के अंदर जो राजा होता था उसके पास क्या एक वैद्य होता था। वो वैद्य क्या करता था, राजा की शुद्ध बुद्धि रखने के लिए, उसे बलवान बनाने के लिए और उसको सुंदर बनाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करता था। और इन्हीं चीजों का मैंने भी प्रयोग किया। किसमें किया, HIV के वायरस के ऊपर किया। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बारे में मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था। जैसे मेरे 7 वर्ष में सोने के गहने गले में पहने जाते हैं, है आज भी पहले भी। बीच में एक नुक्स आ गया, सुनार सोसूत सोने के आभूषण नहीं बनाता, जैसे कान में, नाक में, गले में, बाजू बंद पर, हाथ में सोना पहनने का रिवाज है। HIV के ऊपर, इसके ऊपर मैंने सोचा और खोज किया। जो आदमी हाथ में कड़ा पहनता है, उसके शरीर में कोई भी वायरस अंदर नहीं जा सकता। जो आदमी नाक में आभूषण पहनती है, जैसे मेरे देश की बेटियां बहुएं पहनती है, कोई भी वायरस अंदर नहीं जा सकता। और जो कान में जो पहनती है, उनके अंदर कोई भी वायरस अंदर नहीं जा सकता। जो आदमी क्या करते हैं, ये रिंग फिंगर है, इसमें सोना पहनता है, उसको जीवन में कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। परंतु मैं खोज कर रहा था, जो सोना मुझे सूत नहीं मिलता था और जो सुनार है उसके अंदर तांबा मिलाकर या चांदी का टक्का लगाकर वो कमजोर हो जाता है, उसके आसपास जो वायरस है वो कई बार जहां पर टक्का लगा हुआ है वहां से आदमी के ऊपर नुकसान करते हैं। अगर शुद्ध सोना हमने पहना हुआ हो तो कोई भी वायरस अच्छी तरह से आदमी के ऊपर कोई घात नहीं करता। तो HIV को समाप्त करने के लिए, अगर मान ले हम सोना हमारे पास है, हम यहाँ पर 10 आदमी बैठे हैं, एक आदमी ने सोना पहना हुआ है और दूसरे मान ले TB के हैं या एड्स के वायरस, जिसने सोना नहीं पहन रखा उसके अंदर वो चले जाएंगे। और सोना पहनने के बाद कोई जहां रास्ते में कुत्ता मरा हुआ है, पशु मरा हुआ है या बुरी गंध आ रही है, उस गंध को सोने के वायरस से वो दूर हो जाते। मैं काफी 20 साल पहले ये शोध कर देता, परंतु मेरे सामने एक समस्या आई, शुद्ध सोना मुझे नहीं मिला और शुद्ध सोने को शुद्ध करने की क्रिया को मैं नहीं समझ पाया। अब मेरे अच्छे साथी मिले,
तो शुद्ध सोने के पत्रे बनाकर अपने घर में, अपनी कुठाली में, अपनी भट्टी पर सोने की शुद्ध भस्म बनाई गई जो वायरस को समाप्त कर देती है। नंबर दो है चांदी है। शुद्ध चांदी बिल्कुल शीतल होती है, दिमाग को ठंडा रखती है, वायरस भी उससे दूर भागते हैं। मेरे देश में HIV को समाप्त करने के लिए मोती है और कुछ लोग कहते हैं हीरे, हीरे बिल्कुल HIV में कोई काम नहीं करते। माइक्रोलॉजी में जो ये भस्में मैंने आपको बताई है, सोना, चांदी, मोती, जो अच्छी तरह से वायरस को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इन पर के बजाय हमारे देश के अंदर जड़ी बूटियां हैं, जैसे कुटकी है, चिरायता है। मेरे देश के अंदर खैर है, गूगल है, आंवला है। ये चीजों से ये भस्में भी शुद्ध की जाती है। मैं काफी समय से पारे के पीछे पड़ा रहा, पारे को शुद्ध करना सीखा, उसकी भस्म बनानी सीखी, परंतु HIV पर उसने कोई भी काम नहीं किया। इसके अलावा मेरे देश के अंदर ये जड़ी बूटियां हैं, हर एक व्यक्ति भस्म बना लेता है। उत्तम सोना, शुद्ध सोना होना जरूरी है और शुद्ध चांदी का होना जरूरी है, सच्चा मोती होना जरूरी है। ये HIV के दवाई में पड़ती है और पड़ने के बाद वो शुद्ध भस्म HIV का जड़ से नाम मिटा देती है। अगर कोई भी व्यक्ति मुझे चैलेंज करता है, मेरे बात की बात छोड़ो, संसार की बात करता हूँ, HIV कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। क्यों? एक तो मैं इसे कोरोना से परेशान था, वकीलों ने जो पैसे लिए, मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, मुझे खेद नहीं, मैं अपने न्यायालय की बात को मानूंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायालय है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ HIV कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं। और इसके बारे में मैं ये भी कहूँगा, अगर हमारी इम्यूनिटी है, कोई भी बीमारी हमारे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरे देशवासियों, मैं भारत में किसी भी HIV रोगी को नहीं मरने दूंगा। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466254102, 09416556366.